يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب कटे कुटिया में जीवन या महल के दरमियाँ गुजरे कटे कुटिया में जीवन या महल के दरमियाँ गुजरे मगर हर सांस रब का नाम लेकर शादमा गुजरे बुकिंग ऑफिस है ये संसार जन्नत और दोजक का टिकट लेकर अमल का तू जहाँ चाहे वहाँ गुजरे। बिरादरान इस्लाम दीनी भाइयों और ख्वातीन मिल्लत इस्लामिया अल्लाह हमारा खालिक हमारा मालिक हमारा मुरब्बी हमारा पालनहार हमारा जुल्मनन हमारा किरदगार है उसी अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में हमारी मौत और हयात है वही अल्लाह अर्जी व समावी का मालिक है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया तबारक लजी बेदिल मुल्क हुआला कुल शैन कदीर बाबरकत हौजाद जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरी सल्तनत और बादशाहत है और वह हर चीज़ के ऊपर कादिर है। आज मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की एक आयत तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने दो तरह के लोगों का तज़किरा किया है और इस रुए ज़मीन पे दो तरह के लोग हैं और इस जहान कुलफका में यही दो तरह के लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग दीनदार हैं उनके अंदर दीन का जज्बा है उनके अंदर इस्लाम का जज्बा है उनके अंदर मदरसे का जज्बा है उनके अंदर मस्जिद का जज्बा है उनके अंदर शायर इस्लाम का जज्बा है। लेकिन उसके बरक्स कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनियादार दीनदार नहीं दुनियादार हैं। वो ये सोचते हैं कि दुनिया हमारी नज़रों के सामने है हमारे सामने बिल्डिंग है हमारे सामने कार है हमारे सामने बंगले हैं और हमारे सामने एयर कंडीशन है। अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हीं दोनों का तज़किरा फरमा रहा है और अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है मन काना युरीदो हरसल आखिरते नजीद लहू भी हर से ही जो अल्लाह का बंदा जो अल्लाह की बंदी
जो आदम के बेटे और जो हव्वा की बेटियां ये चाहेंगी कि उनकी आखिरत सुधर जाए, उनकी आखिरत की खेती सरसब्ज शादाब हो जाए, उनकी आखिरत की खेती लहलहा उठे, तो अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे लोगों की जमानत ली है। हमारे असलाफ ऐसे रहे, उनकी जिंदगी आखिरत पे फिदा थी, वो यही सोचते थे कि दीन हमारे सामने है। और दूसरे लोग वो हैं कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया मन काना युरीदु हरसद दुनिया, और जो ये चाहता है कि वो दुनिया की जिंदगी, दुनिया की खेती सरसब्ज शादाब हो जाए, आखिरत से उसका कुछ लेना देना नहीं, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है नूते ही मिनहा, हम दुनिया ही में से दे देंगे, ओमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब, आखिरत में उसके लिए कुछ हिस्सा नहीं। मतलब यह है उसको दुनिया तो मिल जाएगी, देने वाला अल्लाह है, चाहे कोई शाकिर हो, चाहे काफिर हो, चाहे फरमाबरदार हो, चाहे नाफरमान हो, देने वाला अल्लाह तबारक व ताला है। अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है अल्लाहुम्मा ला मानी अलिमा आतैत वला मूती अलिमा मनात ला यनफौजल जद मिनकल जद, देने वाला अल्लाह तबारक व ताला है, वही देता है और वही बंगला और रोजी सब देता है। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, जो लोग ये चाहते हैं कि दुनिया हमारी नज़रों के सामने है, दुनिया हमारी बन जाए, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फिर आखिरत तुम्हारे हिस्से से चली जाएगी, आखिरत तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाएगी, जन्नत का मुंह देखना तुम्हें गवारा नहीं होगा और तुम जन्नत में की खुशबू तक नहीं पाओगे। अब हमको ये सोचना है कि दोनों में से क्या चाहिए, हम दीनदार बनना चाहते हैं या दुनियादार बनना चाहते हैं। अगर हम असलाफ की तारीख का मुताला करें तो हमारे असलाफ की नज़र आखिरत पे हुआ करती थी और वो सोचते थे कि दुनिया की जिंदगी चंद रोज़ा जिंदगी है, इसको आज़ूक़े जिंदगी तसव्वुर करना हिमाकत है। और यही बात है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे लोगों को जन्नत की जमानत ली है, बल्कि जन्नत की बशारत दी है। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन हैं? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में जब आखिरत का सौदा सवार हुआ और उन्होंने हिजरत करनी चाही, घर से निकले, शहर से निकले, कितनी आजमाइशों का सामना करना पड़ा। ऊँट चला गया, तिजोरी चली गई, बीवी चली गई, बच्चा चला गया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाप पियादा पैदल ताजदार हरम शफ़ुल मुज़नबीन रहमतुल आलमीन आन आमिना के प्यारे अब्दुल्ला के आज दुलारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं। अल्लाह अकबर, सहाबे किराम बैठे हुए हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं, देख पूछ रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए अब्दुर्रहमान बिन औफ कैसे आए? कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम का सौदा हमारे दिल में आ गया, फिर आखिरत की फिक्र दामनगीर हुई और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप मुझे नहीं देखते, मेरे कपड़े गर्दो गुबार से हटे हुए हैं, मेरे नाखून बड़े हो गए, मेरे बाल बड़े हो गए, बीवी चली गई, बच्चा चला गया, रुपए पैसे की तिजोरी गई, ऊंट गया, सब कुछ गया, सब कुछ निकल गया। अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अए अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये कहो सब कुछ चला गया, सब कुछ लुटा के आ गया, लेकिन उसके बदले में जन्नत पाने के लिए मैं आया हूँ। अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, खड़े हो गए हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अए अब्दुर्रहमान बिन औफ, घबराने की बात नहीं है, अगर आपने हिजरत की है और आपको आखिरत का सौदा सवार हुआ तो ये साद बिन रबी मौजूद है, और सुन लो मेरे पास दो बीवियां हैं,
जिस बीवी को पसंद करो उसको मैं तलाक दे देता हूं, और इद्दत गुजरने के बाद मेरी बीवी से निकाह कर लेना, यह खला तुम्हारा पूरा हो जाएगा कि तुम्हारी बीवी चली गई। मैं जमींदार आदमी हूं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, बहुत दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने हमको, जमींदार आदमी हूं, खेती तो मैं करूंगा। बटाई अक्सर कैसे होता है, खेती जिसकी खेती होती है दूसरा करता है, और करने के बाद आधा खेत वाला लेता है और आधा खेती करने वाला। लेकिन हजरत साद बिन रबी ने कहा खेती मैं करूंगा, और खेती करने के बाद मैं खेती में से तुम्हें दे दूंगा, आधा दे दूंगा तुम्हें। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाइए आखिरत का सौदा सवार होता है, क्या चला जाता है और मिलता क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया मन काना युरीद हरसल आखिरते नजीद लहू फी हरसी, बढ़ोतरी कर देंगे, इजाफा कर देंगे तुम्हारे खेतियों में, तुम्हारी खेती सरसब्ज शादाब हो जाएगी। अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा साद बिन रबी तुम्हारी बीवी मुबारक हो, तुम्हारी जायदाद मुबारक हो, तुम्हारी खेती बाड़ी का पैदावार मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। ऐ अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ताजिर आदमी हूँ, तजारत पेशा हूँ, मुझे बाजार का रास्ता बता दीजिए, बाजार का रास्ता बता दीजिए, और मैं ताजिर आदमी हूँ और मैं अपना गुजरान कर लूँगा। अल्लाह अकबर, आप अंदाज़ा लगाइए आज हमारा मामला हो छोड़ने का, और ये पता चले कि बाप वरासत में हिस्सा नहीं देगा, कोई घर नहीं छोड़ेगा, चाहे दीन का मामला हो कोई भी मामला हो, हम घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अगर बाप ये कह दे कि वरासत में तुम्हारा हिस्सा नहीं, लेकिन बीवी गई, बच्चा गया, रुपए पैसे की तिजोरी गई, ऊंट गया, पैदल आ रहे हैं, आखिरत का सौदा सवार होता है मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, तो इस तरह से चले गए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला, बाजार का रास्ता बता दिया गया कि ये बाजार हरपन हल्ली के बाजार का ये रास्ता है, जाओ। चले गए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार, और बाजार जाने के बाद बहाया कितना अल्लाह तबारक व तआला ने, बहरैन से एक मरतबा 600 ऊंटों से लदा हुआ गल्ला आया, और मदीना के ताजिर हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के पास खरीदो फरोख्त में लग गए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी, सहाबे किराम से पूछने लगी ये आवाज कैसी है, ये हंगामा आराई कैसी है। साहबी ने बताया अब्दुल रहमान बिन औफ का बहरैन से माल आया है और मदीना के ताजिर उसको खरीदने में लगे हुए हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी है, आप फरमाते हैं अब्दुल रहमान बिन औफ जन्नत में जाएंगे, लेकिन बैठे बैठे जन्नत में जाएंगे। लड़का जो चलना सीखता है तो बुकैया बुकैया का जाता है, अरबी में उसको हबवन हबवन कहा जाता है, बुकैया बुकैया जाता है। अब्दुल रहमान बिन औफ जन्नत में जाएंगे, ताजदार हरम ने फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन बैठे बैठे जन्नत में जाएंगे। ये खबर कशा कशा अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंची। अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने कहा मदीना के ताजिरो ठहर जाओ, रुक जाओ, ये गल्ला बिकने वाला नहीं है। मदीना के ताजिरों ने कहा बात क्या है, कहा नहीं बिकेगा, कहा नफा के तौर पे हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, कहा इससे ज्यादा हमको मिलता है, हम नहीं बेचेंगे। कहा कौन ताजिर आया मदीना में, सबसे पहले तो हम ही लोग पहुंचे हैं, कौन जो है आपके गल्ला को लेने के लिए ज्यादा दे रहा है। कहा सुन लो, गल्ला ज्यादा देने वाला हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा मुरब्बी, हमारा पालनहार है, और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो है अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा इसको मदीना के गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर देना, ताकि मेरा दाखिला जन्नत में बैठे बैठे नहीं खड़े खड़े हो जाए। अल्लाह अकबर, अब्दुल रहमान बिन औफ है कौन,
अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अशरे मुबशरा 10 सहाबी ऐसे जिनको जन्नत की बशारत दी गई, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसमें मौजूद हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन देखिए जज्बा देखिए, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मन कान यरीदो हरसल आखिरत नज़ीद लहू फी हरसही। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद जब वर्षा में तकसीम करने का नंबर आया तो आज तो गल्ला हम लोग तकसीम करते हैं, अब्दुल रहमान बिन औफ के हाथ सोने और चांदी की सिलों को, सोने और चांदी को काट 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 करके बांटने का जब नंबर आया, सहाबे किराम के हाथ में छाले पड़ गए। कितने मालदार थे, 1 तोला रहा होगा, 2 तोला रहा होगा, 10 तोला रहा होगा, 50 तोला रहा होगा, 100 तोला रहा होगा, अल्लाह ऊपर। सहाबे किराम के हाथ में छाले पड़ गए जब वर्षा में तकसीम करने के लिए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नंबर आया, कितना बढ़ाया अल्लाह तबारक व ताला ने। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, दुनिया की जिंदगी चंद रोज़ा जिंदगी है। आज हम हवेली बनाते हैं, आज हम बिल्डिंग बनाते हैं, कार लेते हैं, कार से जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, बिल्डिंग बनाते हैं और जलजले आते हैं, शीश महलों की नफासत पर न फूलों वाले जर, शीश महलों की नफासत पर न फूलों वाले जर, जलजले आकर बदल देते हैं ऐवानों के रुख। जब जलजला आता है ऐवानों के रुख, महलों के रुख को बदल देता है। अगर देखना चाहते हैं चले जाइए काठमांडू, अल्लाह अकबर। काठमांडू जो देखने की जगह थी नेपाल की, नेपाल की राजधानी काठमांडू जो देखने की जगह थी, मेरे मोहतरम भाई दोस्तों अब कुछ नहीं है। और जो बिल्डिंगें और इमारात थी जिसको देखने के लिए, जिसकी ज़ियारत के लिए लोग दूर दूर जाते थे, दूर दूर से जाते थे, अल्लाह तबारक व ताला ने थोड़ी सी ज़मीन हिला दी, कुछ नहीं किया अल्लाह तबारक व ताला ने, ना आसमान से अल्लाह तबारक व ताला ने कोई अज़ाब भेजा, कुछ नहीं, हिला दिया। वलर्ज़ा बादा ज़ालिका दहा, अल्लाह ने इस ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को बिछाया मेघ के तौर पर कि ताकि हिले ना, हिला दिया अल्लाह तबारक व ताला ने, और हिलने से क्या हुआ, जलजले आकर बदल देते हैं ऐवानों के रुख। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है, और दुनिया की ज़िंदगी अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं, तो दुनिया की ज़िंदगी में कौन सी कामयाबी है, अल्लाह अकबर। ये तो अल्लाह तबारक व ताला ने एक वक्त मुतय्यन किया है, कुछ पता नहीं है कि मस्जिद से कौन निकलेगा, किसको मौका नहीं मिलेगा निकले का, और वो मालिक लम यज़ल को लब्बैक कहेगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया मन कान यरीदो हरसल आखिरत नज़ीद लहू फी हरसही। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत ली सहाबे किराम ने, साहबे कराम ने दावत ली, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, और दस्तरखान पे जब आपकी नज़र पड़ी हर तरह के, हर अनवा व अकसाम के खाने मौजूद थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँखें अश्कबार हो गई। मेज़बान ने कहा शायद हमारे इस मेहमान को इस दस्तरखान पे किसी जो है चीज़ की कमी महसूस हो रही है जिसकी वजह से रो रहा है। सवाल हुआ अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबी रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगुजीदा सहाबी, क्या बात है आपकी आंखें अश्कबार क्यों हैं? कहने लगे अश्कबार इसलिए हैं ये जो आज खाना हमारी नज़रों के सामने है हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैसर ना हुआ। अल्लाह ये खाना जो आज हमारी नज़रों के सामने है, ये खाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैसर ना हुआ। डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला पूछ ले कि दुनिया की तमाम नेमतें मैंने तुम्हें दी थी, आज हमारे लिए कितनी नेमतें अल्लाह तबारक व ताला लेता है, लेकिन नेमतों को गिनने के बजाय डकार तक नहीं लेते। बहुत से ऐसे मुसलमान भाई बेचारे हैं समझते ही नहीं है कि देने वाला कौन है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने दस्तरखान में दो आदमी का तज़किरा किया, हजरत मुसाब बिन उमैर का। हजरत मुसाब बिन उमैर कौन थे? कुफ्र की हालत में मुसाब बिन उमैर इतने ज़्यादा मालदार थे, बेहतरीन कपड़े से
बलबूस होकर के और निकला करते थे। इतना बेहतरीन इत्र लगाया करते थे कि मदीना की गलियां मुअत्तर हो जाया करती थी और पता देती है शौकीन नक्शे पाकी अभी इस राह से गुजरा है कोई, गलियां गमाजी करती थी कि इस गली से मुसअब बिन उमैर का गुजर हुआ है। इतने मालदार थे, इतना बेहतरीन इत्र लगाया करते थे जब आपकी कुफर की जिंदगी थी। लोग रश्क करते थे, काश के जो दुनियादार थे दीनदार नहीं थे वो रश्क करते थे, काश की मेरी जिंदगी मुसअब बिन उमैर की जिंदगी होती। अल्लाह, लेकिन वही हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम का सौदा सवार हुआ, फिक्र आखिरत दामनगीर हुई, तो चचा से कहने लगे, चचा जान मैं सोच रहा था कि आप हमको तंबीह करेंगे तबलीग करेंगे, लेकिन सुन लो, अब मैं जाना चाहता हूँ अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह, चचा ने कहा रुपए पैसे की तिजोरी रख दो, लिबासे फाखरा उतार दो, तुमको जाना हो तो नंगे जाओ। अल्लाह अकबर, कौन बर्दाश्त करेगा? कल मुसअब बिन उमैर की जिंदगी पर मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों रश्क हो रहा था कि काश के मेरी जिंदगी मुसअब बिन उमैर की जिंदगी होती। आज मुसअब बिन उमैर को कहा जा रहा है लिबास उतार दो, तुम्हें जाना हो जाओ। वालदा से कहते हैं, वालदा तूने मुझे पेट में रखा और 2 साल तक दूध पिलाया, तेरे अंदर कुछ जज्बा है, कुछ रहम है? माँ ने कहा कि कोई रहम नहीं है तुम इस्लाम लाने के लिए और आखिरत का सौदा तुम्हारे दिल में सवार हुआ है, तुम कुफर से इस्लाम की तरफ जा रहे हो, कोई हमारे दिल में जो है कोई जो है वो नहीं है, और जाना हो तो जाओ, ये फटा हुआ कंबल है, इस कंबल को ज़िब्तन कर लो, पहन लो। हजरते मुसअब बिन उमैर वो फटा हुआ कंबल पहन करके जा रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, लोगों ने दीवाना कहा होगा, मजनू के अलकाब दिए गए होंगे मुसअब बिन उमैर, लेकिन चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो जिंदगी दुश्वार हो जाए मुसअब बिन उमैर को कोई गम नहीं, कह रहे हैं गिला नहीं जो गुरेजा है चंद पैमाने, निगाहयार हजार निगाहयार सलामत हजार मैखाने, हमें कोई परवाह नहीं है। ये जो दुनिया हमसे रूठी हुई है, दुनिया के अहबाब रूठे हुए हैं, हमें इसका कोई गम नहीं, अल्लाह तो हमसे राजी हो जाए। वो हजरत मुसअब बिन उमैर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मुसअब बिन उमैर को संभालो, देखो ये फटे हुए कंबल में आ रहे हैं। मुसअब बिन उमैर को असहाबे सुफा में दाखिल कर दिया गया, और वही मुसअब बिन उमैर जब गज़वे उहुद में शहीद हुए, गज़वे उहुद में शहीद हुए, सहाबे किराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले जा करके कफना करके दफना दो। सहाबे किराम गए और मुसअब बिन उमैर को जब कफनाने का नंबर आया तो चादर छोटी पड़ रही है और मुसअब बिन उमैर का कद लंबा है, जब सर ढका जाता है तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढके जाते हैं तो सर खुल जाता है, फिर वापस आ रहे हैं। ऐ अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चादर छोटी है, कद ज़रा लंबा है, आप अंदाज़ा लगाइए कि आज तो मुसअब बिन उमैर की हालात ज़िंदगी के अलावा नहीं पता चलता है कि किसी को मुकम्मल कफन ना मिले जो दुनिया से जाए, सफ़र आखिरत पे हम और आप रवाना करें, उसको पूरे कपड़े के साथ रवाना करते हैं, लेकिन चला गया वो मर्द मुजाहिद मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि उनको सिर्फ एक चादर है और सर ढका जाता है, पैर खुल जाते हैं, पैर ढके जाते हैं, सर खुल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ सर को चादर से ढक दो, सर जो खुल जाता है चादर से ढक दो, पैर जो खुल जाते हैं उस पर इज़खिर घास है, उस इज़खिर घास डाल करके अपने उस मर्द मुजाहिद को दफन कर दो। अल्लाह अकबर, गुलों में लाख टटोला, वो गुल बदन न मिला,
गुलों में लाख टटोला हो गुलबदन न मिला, चमन में उम्र गुजारी मगर चमन न मिला। उफा की राह में जो भी मिले गनीमत है, कई तो ऐसे गए हैं जिन्हें कफन न मिला। मेरे मोहतरम भाई, ये आखिरत वाले बेचारे हैं। दुनिया दुनिया वालों का मामला है वो तो दुनिया ही में ख़त्म, आखिरत वालों का मामला है अल्लाह तबारक व ताला कितना सिला देगा। तो मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात ज़िंदगी बयान कर रहे हैं। बयान करने वाले हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करते हैं, वो भी ग़ज़वे उहुद में शहीद हुए। मौलाना रूम ने मसनवी में लिखा है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुफ्र की हालत में थे और जिहाद में जाते थे तो लोहे का कपड़ा पहन करके और फिर उसके बाद में मैदान कारजार में जाते थे, लेकिन जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो उतार करके रख करके तलवार लेकर के मैदान कारजार में जाते थे। सहाबे किराम ने सवाल किया, चचा जान मुझे आपकी कुफ्र की ज़िंदगी मालूम है और आज इस्लाम की ज़िंदगी मैं देख रहा हूँ। पहले आप सज धज कर जाते थे और अपने आप को बिल्कुल जो है पाबंद करके जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी की तीर लग जाए, और आज देख रहा हूँ कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है तो सारी चीज़ें हटा करके तलवार लेकर के जा रहे हैं। क्या कहा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, प्यारी थी मुझे जान तो कातिल थे हज़ारों, प्यारी थी मुझे जान तो कातिल थे हज़ारों, अब शौक़ शहादत है तो कातिल नहीं मिलता। अल्लाह अरे लोगों मुझसे पूछ रहे हो, जब कुफ्र की ज़िंदगी थी तो मौत हमारे आगे पीछे दौड़ती थी, मैं मौत से भागता था। अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनके जान और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। अब तो जन्नत की हूरें हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार नजर आ रही हैं। अब मैं चाहता हूँ किसी दुश्मन की तीर लग जाए और मैं शहीद हो जाऊँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है मुस्लिम शरीफ में कि जब शोहदा से अल्लाह ताला बार बार पूछेगा, मर्तबा देने के बाद, अजमत देने के बाद पूछेगा कि आए शहीदों तुम इस्लाम की खातिर, हमारी खातिर, इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर तूने सर दे दिया, अब ये बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है बार बार अल्लाह ताला पूछेगा तो शोहदा कहेंगे अल्लाह दोबारा दुनिया में फिर भेज दे, और दुनिया में भेज दे जिहाद करूं और जिहाद करके वापस आऊं। ये महान बात है, शहीद होने के बाद मरने के बाद दुनिया में आना ये महान बात है, तो अल्लाह ताला पूछना बंद कर देगा। हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मैं चाहता हूँ कि जब अल्लाह तबारक व ताला पूछे कि अय हजरत हमज़ा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मैं कहूं मुझे एक बार फिर दुनिया की जानिब भेज दे अरब, मुझे एक बार फिर दुनिया की जानिब भेज दे अरब, बहुत खंजर है ऐसे जिनको प्यासा छुड़ाया हूं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं चला गया वो मर्द मुजाहिद हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, शहीद हो गए ग़ज़वे उहुद में। लेकिन ये खाना जो आज हमारी नजरों के सामने है, ये जो खाना हमारे पास है, ये खाना उनको मैसर न हुआ। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमा रहा है मन काना युरीदो हरसल आखिरते, जो अल्लाह का बंदा ये चाहे उसकी आखिरत सुधर जाए, अल्लाह ताला उसको उसमें पानी डाल देता है, बारिश का नजूल कर देता है, बारान रहमत नाजिल करता है और उसको सरसद शादाब कर देता है। लिहाजा साहबे कराम की ज़िंदगी से पता चलता है सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में कितना नवाजा कि मत पूछे। और दूसरी बात उमन कान तो हर सद दुनिया, और जो ये चाहेगा कि दुनिया मिल जाए अल्लाह ही देने वाला है सबको, दुनिया बिल्डिंग जायदाद सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला देने वाला है, और कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें
अल्लाह तबारक व ताला ना शुक्रों को ना फरमानों को, काफिरों को अल्लाह तबारक व ताला देता है। ये नशीमन बंगलौर आपके करीब है, बेंगलौर से एक पर्चा पहले निकलता था, अब तो इख्तलाफ हो गया है, नशीमन नाम था। उस नशीमन में एक वाकया लिखा हुआ था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी हवेली थी, एक बूढ़ा आदमी रिशे तराज लंबी दाढ़ी रख करके रो रहा था। एक आदमी उधर से गुजर हुआ, उस आदमी का कहा, कहाँ जा रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा, तुम जाओ, तुम अपना काम करो और मेरे बारे में पूछ गछ ना करो। वो चला गया, दूसरा आया, उसने पूछा, उसको हका दिया। तीसरा आया, कहा, नहीं, जब तक बताओगे नहीं जब तक मैं नहीं जाऊँगा। कहा, ऐसा है, अगर पूछ रहे हो तो मैं शैतान हूँ। ये आदमी जो है जिसकी बिल्डिंग है, ये आदमी को मैं लेकर के गया, इधर उधर घुमाया, हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर न जाने कहाँ कहाँ बिल्डिंगें बनवाई, न जाने कहाँ कहाँ मोहल्लात बनवाए, न जाने कितने कितनी गाड़ियाँ ली, और सब कुछ लेता रहा, उसमें मेरी हिस्सेदारी थी। मैं खामोश था, मैंने सोचा चलो हमारी हिस्सेदारी है, नहीं बोलता था। लेकिन उसके बाद अब ये जो मकान बनाया है, हमें रोना इस बात का है, मकान बनाया उसी पैसे से, हराम पैसे से बनाया, और जो है हलाल और हराम की तमीज़ किए बना बगैर बिल्डिंग बनाई, और वहाँ लिख दिया, हाजा मिन फजल रब्बी। कितना बड़ा गद्दार है इंसान कि मैं हिस्सा तो मेरा, मेहनत मैंने की, और वहाँ लिख दिया ये हमारे रब के फजल से है। अब ये बताओ, ये रब को जाना कहाँ, रब के फजल को जाना कहाँ? अरे इसको तो मेरा फजल जानना चाहिए, मैंने रहनुमाई की है। आज मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, यही रहनुमाई है। आज जमीन मकान खरीदे जाते हैं, बिल्डिंगें खरीदी जाती है, गाड़ी, एक साहब ने हैदराबाद में कहा, मौलाना 50,000 रुपये अगर हो तो हम गाड़ी खरीद लें, करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीद लेंगे, 50,000 रुपये हो, किस्त भरना पड़ेगा। मैंने कहा, भाई हम लोग तो पंपी सेट जो 30-32 हज़ार का होता है, वो भी नहीं हम लोग लोन वोन पर लेते हैं, तो गाड़ी क्या करेंगे, हम लोग साइकिल से चल लेंगे, कोई बात नहीं, तुम हमसे हमें मशवरे का, मशवरे देने की बात नहीं है, यहाँ का जो रूल है वो बताएं। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए, मनकार रही तो हर साल आखिरत नजर लो भी हर सही वो मनकार रही तो हर साल दुनिया नूत ही मिना, अल्लाह ताला कह रहा है दुनिया ही में से हम उसको दे देंगे, ला खला का फिल आखिरा, आखिरत में उसके लिए कुछ हिस्सा ही नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की हूर का दुपट्टा, जन्नत में जो हूर होंगी सबसे हल्का फुल्का दुपट्टा होता है, बड़े कम कीमत का होता है, औरतों के लिबास में, हूरों के लिबास में सबसे सस्ता दुपट्टा होता है, जिसको ओढ़नी कहा जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अगर जन्नत के हूर का एक दुपट्टा खरीदना चाहो तो दुनिया और दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को बेच डालो, जन्नती हूर का एक दुपट्टा नहीं खरीद सकते हो। दुनिया की क्या हैसियत है मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, आज हम दुनिया में रिझे हुए हैं। बहरहाल दुआ है अल्लाह तबारक व ताला से कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिल में आखिरत का सौदा, आखिरत की फिक्र को जमा दे और समा दे, और अल्लाह तबारक व ताला हमको दुनिया की रानाइयाँ, दुनिया की दुर्बेदियाँ, दुनिया की दिल फरेबियों से अल्लाह तबारक व ताला हमको दूर रखे। आमीन। अकुल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम।